अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साल 2023 में टोरंटो की आबादी में बड़ा इजाफा। शुमारियात कैनेडा का कहना है कि 2023 में आबादी में इजाफे की शरह 1957 के बाद सबसे ज़्यादा थी। आर्जी रिहायशियों में इजाफा आबादी में इजाफे की बड़ी वजह करार। टोरंटो पुलिस की खुफिया कार्रवाई, 48 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद। पुलिस का कहना है कि चोरीशुदा कारें बैरून मुल्क भेजी जा रही थीं। दो मुख्तलिफ तहकीकात के दौरान 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अक्वामे मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद के बावजूद भी हर तरफ इसराइल बाज ना आया। इसराइल की रफा में कार्रवाइयों से ज़मीनी हमलों का खदशा। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। यकीन नहीं आता कि दाइश मॉस्को पर हमला कर सकती है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दाइश के पास मॉस्को हमला करने जैसी सलाहियत होना नाकाबिल यकीन है। रूसी सदर ने कहा है कि अमेरिका और उसके हवारी बड़े और मजबूत रूस से खौफजदा हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Ecofresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. Canada ke idare shumariyat ka kehna hai ke 2023 mein abadi mein 3.2% izafa hua, jo yakum January 2024 tak 4,07,69,890 tak pahunch gayi, jo 1957 ke baad sabse zyada sharah hai, jab ye 3.3% badhi. Mazid janenge is report mein. कनाडा के इदारा शुमारियात का कहना है कि 2023 में आबादी में 3.2% इजाफा हुआ, जो यकम जनवरी 2024 तक 4,07,69,890 तक पहुंच गई, जो 1957 के बाद सबसे ज़्यादा शरह है, जब यह 3.3% बढ़ी। स्टेटिस्टिक्स कनाडा ने एक रिपोर्ट में कहा कि आर्जी रिहायशों की तादाद में इजाफे के दरमियान कनाडा की आबादी 1950 की दहाई के बाद किसी भी वक्त के मुकाबले में पिछले साल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। कनाडा भर में यकम जनवरी 2023 से यकम जनवरी 2024 के दरमियान आबादी में 1,02,71,872 का इजाफा हुआ। शुमारियात कनाडा का कहना है कि इस आबादी में 97.6% इजाफा इमिग्रेशन का नतीजा था। गुज़िश्ता साल मुल्क में 4,71,771 तारिकीन वतन आबाद हुए और उनकी तादाद में इजाफा हुआ, जिनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की कारकुन हैं। क्यूबेक की सूबाई शुमारियात की एजेंसी इंस्टीट्यूट डी लॉ स्टेटिस्टिक्स डो क्यूबेक के डेमोग्राफर फेडरिक प्योर ने कहा कि 1950 की दहाई के बाद से तरक्की की शरह 3% से ज़्यादा किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि कनाडा की हिजरत पर मबनी इजाफा 1960 की दहाई में इसराइल और 2006 और 2007 में आयरलैंड से मवाजना किया जा सकता है, जब मुल्क ने तेज़ रफ्तार इक्तिसादी तरक्की के दौरान इमिग्रेशन में तेज़ी का तजर्बा किया, लेकिन फिर भी उनमें से किसी भी मुल्क की आबादी 3% से ज़ायद नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्यूबेक में जहाँ आबादी में 2.5% इजाफा हुआ, हमारा नतीजा यह है कि मुतालिक तादाद में यह अब तक की सबसे ज़्यादा तरक्की है। आबादी के तनासब के तौर पर 1957 में मजमूई तौर पर कदर ज़्यादा इजाफा हुआ था, लेकिन इसकी बुनियादी वजह हंगरी में होने वाले वाक़ियात से मुंसलिक नकल मकानी की लहर के साथ मिलकर बेबी बूम थी। नवंबर 1956 में सोवियत फौजियों की तरफ से कम्युनिस्ट हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के कुचलने के बाद हंगरी के 37,000 से ज़ायद महाजरीन कनाडा फरार हो गए।
टोरंटो पुलिस का कहना है कि अफसरान ने 48 चोरी शुदा गाड़ियों को एक खुफिया ऑटो चोरी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर जब्त किया, जिसे प्रोजेक्ट पैरानॉइड का नाम दिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस का कहना है कि अफसरान ने 48 चोरी शुदा गाड़ियों को एक खुफिया ऑटो चोरी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर जब्त किया, जिसपे प्रोजेक्ट पैरानॉइड का नाम दिया गया है। तफ्तीशकारों ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 6 बरामद शुदा आतिशी असलहा और कई प्रोग्राम शुदा गैर प्रोग्राम शुदा कलीदी फोब्स के साथ कुछ गाड़ियां दिखाई। पुलिस का कहना है कि अप्रैल 2023 में एक अलग खुफिया मंशियात और बंदूक की स्मगलिंग की तफ्तीश के दौरान इकट्ठी की गई मालूमात प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर ने इस साल अगस्त में चोरी शुदा गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए दूसरी तफ्तीश शुरू की। प्रोजेक्ट पैरानॉइड उन वसाइल को जाहिर करता है जो टोरंटो पुलिस सर्विस ऑटो चोरी की वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस काम के मुस्बत नतीजे। ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान तआवुन की अहमियत को भी जाहिर करता है ताकि इस मसले को हल किया जा सके जो हमारी तमाम कम्युनिटीज की फलाह बहबूद को मुतासिर कर रहा है। उनका कहना है कि बरामद की गई गाड़ियों में से 20 को बर्लिंगटन में एक जहाज रानी के मकाम पर कब्जे में ले लिया गया, जबकि दीगर 20 को टोरंटो और मॉन्ट्रियल में सरहदी एजेंट्स की मदद से रोका गया। दो खुफिया तहकीकात के दरमियान पुलिस का कहना है कि उन्होंने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है और 150 इल्जाम आयद किए हैं। तहकीकात को सूबाई ग्रांट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑन्टेरियो के जरिए फंड किया गया था। एक न्यूज रिलीज में टोरंटो पुलिस का कहना है कि चोरी शुदा गाड़ियां ग्रेटर टोरंटो एरिया के कई कारोबारों में फरोख्त और बैरून मुल्क भेजे जाने से पहले या दोबारा फरोख्त करने के लिए रजिस्टर्ड होने से पहले महफूज की जा रही थी। टोरंटो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा, ये गाड़ियां खरीदी गईं, दोबारा विनिंग की गईं और दोबारा रजिस्टर्ड की गईं, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में पहली बार ऐसा हुआ है। कार को दोबारा विनिंग करने से एक मुश्तबा शख्स को गाड़ी का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर तब्दील करने की इजाज़त देता है। इसे कानूनी हैसियत का गलत एहसास दिलाने के लिए इसे मुख्तलिफ नंबर से तब्दील कर देता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अक़वामे मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद के बावजूद भी हर धर्म इसराइल बाज न आया। सहयूनी फौज ने बुध को रफा में कम अज़ कम 4 घरों पर बमबारी की, जिसने वहाँ मौजूद 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के लिए एक नए खदशे को जन्म दे दिया है। इसराइली वजीर आजम ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया है कि फिजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए, जबकि सहयूनी फौज ने मगरबी किनारे जैनियन में छापे के दौरान फायरिंग करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया है कि बुध की सुपहर रफा में एक और इजरायली फिजाई हमले में एक खातून और बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद और दीगर जख्मी हुए। गजा शहर के मगरब में एक मकान पर फिजाई हमले में 7 अफराद शहीद हो गए। उधर इजरायली फौज ने रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा भी बना लिया है। इजरायली अखबार के मुताबिक इन हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। बेदखली के बाद इजरायल मिस्र को अपने इकदाम की बाजाबता इत्तला फराहम करेगा। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में कम अज़ कम 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 74,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक हजारों दीगर अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और 23 लाख की आबादी में से 80% से ज्यादा बेघर हो गए हैं, जिनमें से बहुत से लोगों को कहत का खतरा है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का कहना है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि दाइश मॉस्को पर हमला कर सकती है। दाइश के पास मॉस्को हमला करने जैसी सलाहियत होना नाकाबिले यकीन है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब कंसर्ट हाल में मुसल्लम मुल्ज़िमान की जानिब से किए गए हमले की तहकीकात जारी है। हमले में 100 से ज्यादा अफराद लुक्मा अजल बन गए थे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरावा का इस हवाले से कहना है कि यकीन करना मुश्किल है कि दाइश मॉस्को पर हमला कर सकती है। मारिया ज़खरावा ने कहा कि दाइश के पास मॉस्को हमला करने जैसी सलाहियत होना नाकाबिल यकीन है। दूसरी जानिब रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला करेगा या नहीं, इस हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और उसके हवारी बड़े और मजबूत रूस से खौफजदा हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फिजाइया के अहलकारों से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पोलैंड बाल्टिक रियासतों या चेक के खिलाफ रूस के जारहाना अजाइम नहीं। पुतिन का कहना था कि धोखेबाज दिफा के नाम पर अपने आवाम से इजाफी रकम बटोरना चाहते हैं। उन्होंने रूस सिर्फ रूसियों का है जैसे जुमले बोलने वालों को भी खबरदार किया। पुतिन का मजीद कहना था कि मुस्लिम और यहूदी भी दीगर मजाहिब के मानने वालों की तरह हमारे भाई हैं।
روس کئی قومیتوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔